Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the last video of our playlist amino acids, peptides, proteins and nucleic acids. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अमीनो एसिड्स की, पेप्टाइड्स की, प्रोटीन्स की एंड न्यूक्लिक एसिड्स की. ये सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर कर दिया था, सो आई होप आपको अच्छा से आता हो. तो पहले पढ़ते हैं डीएनए के बारे में. प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो डीएनए का है उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है. यहाँ पर देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं इसके प्रोडक्ट्स की तो हमें पता लगता है कि डीएनए में बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ का डीएनए डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरी करता है और जो मोलर अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो इक्वल होता है थायमिन के और जो साइटोसिन का मोलर अमाउंट होता है वो ग्वानिडिन के इक्वल होता है. तो इसका मतलब एडेनिन इज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानिन. सो ये नेचुरली मीन करता है कि ए प्लस जी इज इक्वल टू दी सी प्लस टी, मतलब प्योरिन्स इज इक्वल टू दी पिरिमिडिन्स. और इस रूल को हम सिंपली कहते हैं चार गफ रूल. ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक्स में से. ओके, एंड नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो वॉटसन और क्रिक ने ये वाला जो साइड पे डायग्राम बनाया, ये मॉडल सारा वॉटसन और क्रिक ने दिया था. इन्होंने प्रपोज किया था कि डीएनए में दो आइडेंटिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं या फिर स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो, एंड ट्विस्टेड अबाउट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट हैंडेड हेलिक्स. तो ये देखो राइट हैंडेड हेलिक्स बन रहा है, राइट से जाके ये टर्न कर रहे हैं. इन द हेड्स ऑफ टू चेन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इनके दोनों के हेड जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है. जैसे एक 5' टू 3' हो जाएगी और एक 3' टू 5' हो जाएगी. ये बायोलॉजी की टर्म्स हैं. ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सारे फीचर्स देखते हैं डीएनए के. पहले दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स की जो बैकबोन है वो कौन सी है, शुगर और फॉस्फेट की. देखो यहाँ पर सारे मैंने बेसिस शो करे हैं पर लेकिन ये जो पीछे चेन है दैट इज PS, दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, ये वाली जो थ्रेड है दिस इज बैकबोन, इट इज शुगर फॉस्फेट. एंड इसमें जो है बेसिस जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड, जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे इनसाइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो इस तरीके से होता है. एंड बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग हो रही है. एडेनिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद थायमिन. ठीक है, एडेनिन के यहाँ पर देखो दो बॉन्ड्स बने हुए हैं एंड थायमिन भी दो बॉन्ड्स बनाता है एडेनिन के साथ, मतलब वाइस वर्सा ये ऑपोजिट स्ट्रैंड में होता है. ठीक है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाता है. यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड्स बने हुए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में. ठीक है, एज रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडिन. ठीक है, तो ये चार गफ रूल के हिसाब से बन गया कि प्यूरिन जो है हमेशा पिरिमिडिन के सामने आएगा और अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस आ जाता है टू दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में. बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है इनके बीच में. ठीक है, एंड टू दी स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन. ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है राइट हैंडेड फैशन में कॉइल रहते हैं एंड पिच जो है हेलिक्स की दैट इज 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, ये पिच मतलब एक टर्न में कितना उसको डिस्टेंस लगेगा. ठीक है, यहाँ पर चेयर्स की जगह पर स्ट्रैंड कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ओके. ओके, अब नेक्स्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ डीएनए. फंक्शंस देखा जाए तो डीएनए जो है वो सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है एंड इसके फंक्शन पहले तो ये आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है. डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उससे आरएनए बनता है, तो वर्ड याद रखिए ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, एंड जब ये गाइड करता है और ये गाइड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी डीएनए गाइडिंग करता है एंड इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. ये खुद ही रेप्लिकेट कर पाता है. ठीक है, अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल खुद बना सकता है एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, हेरिडिटी में काम आता है. ये सारे करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करवा देता है. ओके, अंडर सर्टन कंडीशंस या फिर कह सकते हैं एक्स रेज के एक्शन के अंदर या फिर यूवी लाइट के एक्शन के अंदर बेस सीक्वेंस जो होती है वो थोड़ी सी ऑल्टरेशन हो जाती है इसकी, मतलब थोड़ी सी चेंज हो जाती है बेस सीक्वेंस, आगे पीछे हो जाएंगे तो इसे कहते हैं म्यूटेशंस. और म्यूटेशन जो है न्यूली रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल में भी चेंज हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर हो सकते हैं. ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो सकती है. तो ये ट्रेट एनिमल के बदल सकता है, तो म्यूटेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो सकती हैं. ये कई बार हार्मफुल भी होती हैं पर कई बार ये इफेक्टिव भी होती हैं फॉर दी वेरिएशंस. ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी है, जब हम डीएनए को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं या फिर मेल्टिंग ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं. और जब टेम्परेचर हम स्लो डाउन करते हैं तो डीएनए के बॉन्ड जो है फिर से बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनीलिंग. वर्ड याद रखना है ANNELING, एनीलिंग. ओके, यहाँ पर मैंशन नहीं है बट यहाँ पर एनीलिंग जरूर करना है. ओके,
एंड आरएनए की बात देखी जाए तो आरएनए जो है डीएनए से कैसे डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर शो करूँगा आपको, ठीक है। आरएनए जो है पहली बात तो सिंगल स्ट्रैंडेड एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था थायमिन में जैसे एक मिथाइल ग्रुप होता है बट लेकिन यूरेसिल में मिथाइल ग्रुप नहीं होता, तो आरएनए के पास एक मिथाइल ग्रुप लेस है। और दूसरी बात, इसमें यूरेसिल एज अ न्यूक्लिक बेसिस है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस, एंड डीएनए के पास थायमिन है, ठीक है। और आरएनए जो है उसका कैटलिटिक रोल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है, पर डीएनए इज़ वेरी वेरी स्टेबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए के बीच में। बाकी तो चीज़ें तो देखो सारा कुछ सेम तो लगा ही हुआ है, ठीक है, बट लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आरएनए इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल दैन द डीएनए। एंड आरएनए में आपको पता है 2'OH जो है राइबोस शुगर में होता है, पर लेकिन डीएनए में 2'OH नहीं होता। अगर आरएनए में 2'OH है मतलब सेकंड पोजीशन पर OH जो है जो हमारे राइबोस शुगर में, तो इस वजह से आरएनए बहुत रिएक्टिव भी बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज इट हैज़ 2'OH एट दी राइबोस शुगर, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब फंक्शन देख रहे थे लास्ट टॉपिक आरएनए के, तो ये पहले बायोसिंथेसिस प्रोटीन्स की करवाता है, मतलब ये सिंथेसिस जो है प्रोटीन्स की उसमें काम आती है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज कैरी करता है डीएनए का, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस नेसेसरी स्पेसिफिक हो सके, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स उसमें आके जुड़ते हैं। तो ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों प्रोसेसेस बायो के हैं, आप उसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस अपने अंदर करवाता है, एंड ट्रांसफर आरएनए जो है एक अमीनो एसिड लेकर दूसरे अमीनो एसिड लेकर, मतलब अमीनो एसिड लेकर आता है, ठीक है। तो इससे अमीनो एसिड्स की बहुत बड़ी चेन बनती रहती है और प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्या है, आरएनए जो है वो कंट्रोल करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। लर्निंग को भी हम जब करते हैं तो आरएनए कंट्रोल कर रहा है, और जो हमारे याद रहता है याददाश्त दैट इज़ मेमोरी, सो वो भी हमारा आरएनए कंट्रोल करता है। सो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। सो यहाँ इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन की वीडियोज़ भी लेके आएँ तो आप क्वेश्चन के लिए भी कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं। तो टिल देन अगर कोई भी मिस्टेक होगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपना 100% दिया कि सारा चीज़ें आपको सही से पढ़ाऊं, पर लेकिन अगर आपको कोई चीज़ न्यू अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच।